हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको देखूँगा किस तरह से आप लोग एक ही व्हाट्सअप में दो फोन में किस तरह से चलाओगे फ्रेंड। ठीक है, इसमें आपको इस वीडियो में आपको देखूँगा। सबसे पहले यहाँ पर एंटर देखिए फ्रेंड। ठीक है, आपको किस तरह से मैं आपको इस यूज़ ट्रिक बताऊँगा, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी व्हाट्सअप नंबर OTP लेके आप यहाँ पर काम कर सकते हो। चलो मैं आपको बताऊँ OTP से किस तरह से आपको आपका मोबाइल पर किस तरह से लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। चलो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको जो एप्लीकेशन दे रहा हूँ इस एप्लीकेशन से काम कीजिए। ठीक है, आपको आसानी तरीके से यहाँ पर हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर ट्राई करके देखा होता हूँ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, चलो आप यहाँ पर ट्राई कीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलो मैं आपको अभी लाइव ऐप करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसे वो आप प्रो एप्लीकेशन को जब भी डाउनलोड करोगे या पर जब लॉगिन करोगे, वो बंदा जब इंटरनेट ऑफ कर देगा तभी अभी आप उसमें यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। ठीक है, ऑनलाइन हो तभी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं दे वो डाटा ऑफ कर दिया ये व्हाट्सअप नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन भी चाहे पर आप यूज़ कर सकते हो उसका फ़ोन नंबर से। ठीक है, आपका गर्लफ्रेंड हो कोई भी अकाउंट नंबर से आप लॉगिन करके आप देख सकते हो उसका SMS। चलो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव अप्लाई करके। सबसे पहले प्रो एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे यहाँ पर व्हाट्सअप स्क्रीन वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। चलो मैं आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन में क्लिक करके मैं आपको दिखाई दूँ। तो व्हाट्सअप स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, एक ऐड आएगी, ऐड को थोड़ा काट देख लेना, उसके बाद काट काट दीजिए फ्रेंड। ठीक है, चलो मैं व्हाट्सअप इस तरह से आपको पेज आ जाएगी फ्रेंड। तो दो तरह से आप लॉगिन कर सकते हो। आपके पास मोबाइल है तो स्क्रीन करके लॉगिन कर सकते हो। तो मेरे पास लॉगिन नहीं है, मैं गर्लफ्रेंड का मोबाइल से करूँगा। मैं जो किसी भी का हो, आपका फ्रेंड का हो, तो मैं फ्रेंड का ही मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पर गर्लफ्रेंड का सकते हो, कोई भी यहाँ पर लिंक करके आप SMS चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल है। ठीक है, दूसरा मोबाइल, उसमें लिंक QR कोड एंड लिंक फ़ोन नंबर। चलो लिंक विथ फ़ोन नंबर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इस तरह से आपको फ़ोन नंबर का एक ऑप्शन दे जाएगी। चलो यहाँ फ़ोन नंबर यहाँ यूज़ कर डाल देता हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो फ़ोन नंबर यहाँ डाल दीजिए, उसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन में चाबी करोगे, एक OTP आएगा। चलो फ़ोन नंबर में डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में जब क्लिक करोगे आपको इस तरह से एक यूनिक कोड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कोड को आपको शेयर करना होगा अदर्स डिवाइस। ठीक है, किसी भी जिसका फ़ोन में आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हो जिसका नंबर से, वो व्हाट्सअप में इस तरह से आप कैप्चर डालना होगा। ठीक है, चलो मैं आपको ये है OTP मतलब कोड। ठीक है, एक यूनिक कोड आ चुका है, उसके बाद दूसरा मोबाइल पर जाके मैं आपको दिखाया जाऊँ फ्रेंड। ठीक है, चलो दूसरा मोबाइल पर आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले दूसरा मोबाइल पर जब आप करोगे इंटरनेट ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आप व्हाट्सअप यहाँ पर ओपन कीजिए। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको आएगी व्हाट्सअप पर। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाया दूँ किस तरह से नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगी व्हाट्सअप। ठीक है, चलो यहाँ पर व्हाट्सअप बिजनेस एक इस तरह से नोटिफिकेशन आएगी। व्हाट्सअप बिजनेस हो, व्हाट्सअप हो, जो भी हो, इस तरह से आने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट नीचे ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलो नेक्स्ट ऑप्शन कर लेता हूँ मैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में जब क्लिक करोगे फ्रेंड, मैं आपको देखा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इसलिए। तो अब यहाँ पर वाईफाई टू कनेक्ट ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यूज डिवाइस को क्लिक करते ही आपको इस तरह से पेज आएगी। तो सबसे पहले आपको जब नेक्स्ट करोगे आपको एक अनलॉक ऑप्शन आएगी, आपको डिवाइस को अनलॉक करना होगा। ठीक है, मतलब जो आपने स्क्रीन लॉक दिया था वो स्क्रीन लॉक आपको डालना होगा फ्रेंड। ठीक है, उस तभी आपको इस तरह से पेज आएगी, आपको एक कोड डालने के बोलेगा। तो कोड डालने के लिए सबसे पहले आप जो आपने यहाँ पर कोड दिया था, यहाँ पर जो कोड था, इस कोड को आपको फिल करना होगा, इस कोड को ऊपर डालना होगा। चलो मैं डाल के आपको दिखाई देता हूँ। चलो थोड़ी वेट कर लेता हूँ फ्रेंड, उस कोड को आपको यहाँ पर डालना होगा। तो एक मिनट मैं कोड को इस यहाँ पर कोड को देख लेता हूँ ध्यान से। ठीक है, उसके ऊपर बैक नहीं करना होगा फ्रेंड, पहले आपको लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद बैक कीजिए। उसके बाद आपको PC से जो भी कोड है उसको उस मोबाइल पर आपको डालना होगा। चलो मैं डाल के देखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डाल दिया फ्रेंड। डालने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगी, आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन। ठीक है, जब नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने से पहले आपको एक नाम पूछा जाएगी, नाम डाल दीजिए फ्रेंड। ठीक है, नाम डालने से पहले ही आपको यहाँ पर इस तरह से भेजाएगी फ्रेंड। ठीक है, जो भी आपका नाम यहाँ पर चॉइस कर लीजिए, वो उसका जब लॉगिन करोगे ना उसका आपको एक नाम डालना होगा, वो नाम डाल दीजिए फ्रेंड। कुछ भी नाम डालने के बाद लॉगिन कीजिए, इस तरह से आपको देखने के मिलेगा। चलो यहाँ पर देख सकते हो मैं कौन सा ये हो, जो भी आप नाम नेक्स्ट OTP कैप्चर OTP डालने के बाद कोड, उसके बाद इस तरह से पे जाएगी। मैं आपको दिखाई दो, यहाँ पर मैं देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है इस बिजनेस अकाउंट। तो थैंक यू फ्रेंड, इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हो। और कोई प्रॉब्लम आता है ठीक है आपका, यहाँ पर देखिए ये डाल के मैं लॉगिन किया हो। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो नहीं बदल मिलते हो यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर विदाउट स्क्रीन करके आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो।